हाई एवरी वन दिस इज पार्टी ऑफ रीजनिंग यू ऑल इन प्रो वेल आई होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और लगे हुए हैं अपनी तैयारी में एस बी आई पीओ प्रिलम्स काफी ज्यादा नजदीक आता जा रहा है तो एक मिनी मॉक सीरीज स्टार्ट हुआ है मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मिनीमोक सीरीज एस बी आई पी ओ प्रिलिम्स के लिए स्टार्ट किया गया है आज मिनी मॉक थ्री है इससे पहले दो सेशन हो गए हैं तो जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं प्लीज जाइए और देखिए बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो आपका मिनी मॉक वन है उसमें काफी ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जैसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं उससे काफी ऊपर के लेवल के और जो मिनी मॉक टू है वो आपका क्वाइट सिमिलर है जैसा पेपर पूछा जाता है अभी आज के जो क्वेश्चन है वो भी हाई लेवल के क्वेश्चन है अब मैं ऐसा क्यों कराती हूं आपको इसीलिए कराती हूं ताकि अगर पेपर में मुश्किल क्वेश्चन आ जाए जैसे आईबीपीएस के साथ हुआ था है ना तो अगर मुश्किल क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग घबराए नहीं आपको आदत होनी चाहिए अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे सेशंस में जो आपको क्वालिटी मिलेगी बहुत ही ज्यादा अच्छी मिलेगी तो आ, क्वालिटी के लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए निश्चिंत हो जाइए आपको हमेशा अच्छा कॉन्टेंट मिलेगा ऑन दिस यूट्यूब चैनल ठीक है सो सेशन को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं और एक चीज बोल रही हूं सेशन अगर अच्छा लगे मैं पहले नहीं बोल रही मत करो लाइक like, कोई मुझे दिक्कत नहीं है अगर आपको अच्छा लगता है सेशन उसके बाद जरूर लाइक like करना ठीक है चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा एक बार आप सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए चलिए बनाते हैं अब हम इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने सबसे पहले बता रही हूं कि बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कहीं भी मत जाइएगा अपने ध्यान को सिर्फ यहां पर केंद्रित रखिए ठीक है चलो बहुत हिंदी हो गया अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन को वेल well, हिंदी वाले स्टूडेंट्स ने आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अभी क्या कहता है एट स्टूडेंट्स आठ स्टूडेंट्स हैं एट स्टूडेंट्स इशिता जीतू कलाम ललित मोना नीलेश आर्य पारूल आर स्टैंडिंग इन अ रो इन अ मॉर्निंग असेंबली इन अ स्कूल सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ नॉर्थ ने सेम ऑर्डर फटाफट से क्वेश्चन को करते हैं आठ लोग हैं एक सिंपल सीधी रो में बैठते हैं ये कुछ पर्सन के नाम है आई जे के एल एम एन एर पी आर स्टैंडिंग इन अ रो इन अ मॉर्निंग असेंबली सम आर कुछ लोग नॉर्थ फेसिंगे कुछ लोग साउथ फेसिंगे आगे को फेस करते उनका नंबर ज्यादा है साउथ फेसिंग लोगो से ठीक है नो वन स्टैंड टू द राइट ऑफ नीले नीले के राइट पर कोई भी नहीं है मिल गया हमको पहले क्या चीज आठ लोग हैं टोटल नीले के राइट पर कोई नहीं है अगर नीले यहां पर है और अगर नीलेश यहां पर है तो डायरेक्शन ये होगी नीलेश के राइट पर कोई नहीं है नीलेश के राइट पर कोई नहीं है ठीक है इतना हुआ आगे एज मेनी स्टूडेंट स्टैंड टू द राइट ऑफ विशिता है स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ जीतू बोली जीतू डज नॉट फेस साउथ यानी कि जीतू की डायरेक्शन हमें पता चल गई है क्या है नॉर्थ ठीक है जीतू की डायरेक्शन है नॉर्थ अब कहते हैं जितने लोग इशिता के राइट पर है उतने ही जीतू के लेफ्ट पर है तो जीतू के लेफ्ट पर जितने भी लोग आएंगे जीतू के लेफ्ट पर एक आए दो आए जितने भी आए इशिता के राइट पर उतने लोग आएंगे इसका मतलब इशिता की भी डायरेक्शन ऐसी नहीं होगी समझो कैसे कह रही हूं अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन के हिसाब से मान लो अगर आपका जीतू यहां आता है जीतू की डायरेक्शन हमें पता है नॉर्थ है तो जीतू के लेफ्ट पर एक तो ईशिता के राइट पर एक तो ईशिता अगर आपकी यहाँ आएगी तो उसके राइट कैसे पता चलेगा उसकी भी डायरेक्शन नॉर्थ होगी उसी तरीके से अगर जीतू आपका पर आता है उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ जीतू के लेफ्ट पर दो लोग तो ईशिता के राइट पर भी दो लोग इशिता की डायरेक्शन क्या होगी नॉर्थ तो इस तरीके से जीतू और ईशिता दोनों की ही डायरेक्शन क्या हो गई है नॉर्थ हो गई है ठीक है और कहा है जीतू के लेफ्ट पर जितने लोग हैं ईशिता के राइट पर उतने लोग हैं ये मैंने इस तरीके से नोट कर लिया आगे मोना एंड ललित फेस ऑपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर ठीक है ललित सेम डायरेक्शन एज फेसेस ललित और आर की पारुल की डायरेक्शन सेम है मोना और ललित की डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है ललित और पारुल की डायरेक्शन उसने बोला है सेम है आगे उसने कहा पारुल डजन फेस नॉर्थ पारुल की डायरेक्शन नॉर्थ नहीं है पारुल की क्या हुई साउथ अभी उसने क्या बोला था मोना और ललित की ऑपोजिट है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ललित की डायरेक्शन सेम है ललित फेसेस द सेम डायरेक्शन एज पारुल तो ललित की डायरेक्शन हुई साउथ और एम और एल दोनों की ऑपोजिट है तो इनकी एम की हो जाएगी नॉर्थ एल की साउथ पी की साउथ ठीक है ये कंफर्म्ड हमारी क्या है डायरेक्शन है यहाँ पर आगे मोना स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर्या कहता है कि मोना जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु स्टैंड्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर्या आर्या के थर्ड लेफ्ट पर जो भी पर्सन आएगा आर्या के थर्ड लेफ्ट पर जो भी पर्सन आएगा उसके सेकंड राइट right पर कौन है मोना ठीक है इशिता स्टैंड्स थर्ड टू द राइट ऑफ कलाम एंड इशिता डज नॉट स्टैंड एट एनी एंड ऑफ द रो ठीक है इशिता एंड पर तो आ नहीं सकती क्योंकि नीलेश है आई और जे है ना ऐसा होगा हमें पता है जे के लेफ्ट पर जितने आई के राइट पर उतने तो उसने क्या बोला है उसने बोला कलाम के थर्ड राइट पर इशिता है बस आपको ये याद रखना है कलाम के थर्ड राइट पर इशिता है ठीक है नीलेश स्टैंड टू प्लेसेज अवे फ्रॉम पारुल नीलेश टू प्लेसेज अवे फ्रॉम पारुल यानी कि पारुल यहां पर आई पारुल की डायरेक्शन है यहां पर देखो साउथ पारुल की डायरेक्शन है साउथ तो पारुल की डायरेक्शन साउथ और यहां पर पारुल की डायरेक्शन साउथ ठीक है मोना इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ़ ने मोना इज नॉट एन इमीडिएट एम और ए दोनों इमीडिएट नेबर्स नहीं है इसका मतलब समझो एम और ए दोनों इमीडिएट नेबर्स नहीं है ए के थर्ड लेफ्ट पर एक पर्सन है ठीक है ए के थर्ड लेफ्ट पर मान लो आपकी ए की डायरेक्शन है ये ठीक है ए के थर्ड लेफ्ट पर एक पर्सन है ये के थर्ड लेफ्ट पर ये पर्सन आया इसके सेकंड राइट पर एम है इसके सेकंड राइट पर क्या केस बन सकता है अब इसकी डायरेक्शन हमें नहीं पता तो हम इसके सेकंड राइट पर वहां भी लेके जा सकते हैं हैं सेकंड राइट पर इधर के इमीडिएट लेकर आ सकते लेकिन उसने उसने बोल दिया कि अभी बोला एम और ए जो है दोनों साथ में नहीं आएंगे उसने कहा है एम और ए दोनों साथ में नहीं आएंगे ठीक है एम और ए दोनों साथ में नहीं आएंगे तो इसका मतलब ए के थर्ड लेफ्ट पर जो भी पर्सन है उसके सेकंड राइट पर एम ऐसा बनेगा क्योंकि ए और एम इमीडिएट नेबर्स नहीं है और एक केस बनेगा अभी तो हमने ए को ये डायरेक्शन दी है अगर एक की डायरेक्शन है नॉर्थ ए के लेफ्ट पर ये पर्सन आया ए के थर्ड लेफ्ट पर ये जो पर्सन आया इसके सेकंड राइट पर सेकंड राइट अब इस डायरेक्शन में तो हम ले नहीं सकते ए और एम इमीडिएट नेबर्स नहीं है तो इसके सेकंड राइट पर एम जो है वो ऐसा आ जाएगा समझे इस चीज को के ऊपर वाला देखो ए के थर्ड लेफ्ट पर ये जो पर्सन आया उसके सेकंड राइट right पर एम नीचे के थर्ड लेफ्ट पर ये पर्सन आया उसके सेकंड राइट right पर ठीक है आई होप कि आप ये अभी समझ गए होंगे अब इसकी इसको हटा देते हैं इसकी जरूरत नहीं है पूरा का पूरा क्वेश्चन ना हम लोग यहां पर नोट कर चुके हैं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन वी हैव नोटेड डाउन अब कैसे बढ़े आगे दैट इज इंपॉर्टेंट सो देखो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर ये केसेस हैं इसको यहां पर फिट करना है कैसे फिट करें या तो ये फिट होगा या ये फिट होगा पहली बात हम लोग क्या कर सकते हैं जे और आई को देखें कि जे और आई कहां पर आ सकते हैं ए और एम के बीच में एक दो तीन चार मतलब ऐसा कुछ अरेंजमेंट चाहिए ए और एम के बीच में टोटल चार लोग आने चाहिए ए और एम के बीच में चार लोग अब जे और आई के लिए, के लिए केसेस क्या है हमारे पास जे आप और आई आपका यहां आ सकता है और आपका यहां भी आ सकता है ठीक है एक बार दिमाग में सोच लो जे और आई यहां पर जे और आई यहां पर अगर जे और आई यहां पर आते हैं तो ए और एम के बीच में चार लोग चाहिए आपको तो क्या आ सकते हैं ए यहां पर आया मान लो ए और एम में से कोई भी एक दो तीन चार यहां पर पिया गया नहीं है पॉसिबल अगर हम आई और जे को ये जो डॉट्स बनाई है यहां पर बनाते हैं तो यानी कि आई और जे आपके यहां पर नहीं आ सकते अगर ऊपर वाले केस में नहीं है तो नीचे वाले में भी डेफिनेटली सेम चलेगा सिमिलर चलेगा ठीक है तो जे और आई अब आपका यहां पर नहीं आ सकता तो और कहाँ पर आ सकता है यहां पर पी आ गया तो जे और आई यहां नहीं तो जे और आई के लिए एक और जगह दिख रही है मुझे कहां पर ये ठीक है ये जगह दिख रही है मुझे जे और आई की अब देखो ए और एम के बीच में चार लोग ठीक है तो वो कैसे बन सकते हैं अगर जे और आई आपका यहां पर आता है तो देखो एक दो तीन चार ये चार जगह एक दो तीन चार ए और एम आपका यहां पर आ सकता है इधर इस जगह पर और इस जगह पर ठीक है और यहां पर अगर ये आता है एक दो तीन चार नहीं है जगह सिर्फ यही ये यह दोनों जगह ऊपर वाले केस में यही दो जगह बनती है आपकी किसकी ए और एम की ठीक है सिर्फ यही दो जगह बनती है अब आपको देखना है कि किस तरीके से पहली बात यहां पर ऊपर वाला केस जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना एक चीज को समझो एन और पी दोनों साउथ फेसिंग है हमारे पास टोटल आठ पर्सन है उसने कहा नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग साउथ इज मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग साउथ नॉर्थ वाले लोग ज्यादा हैं तो कम से कम पांच तो होंगे ही आपके नॉर्थ फेसिंग तभी तीन साउथ फेसिंग होंगे चार चार तो हो नहीं सकते बराबर है नहीं ज्यादा है नॉर्थ वाले तो मै कितने हो सकते हैं साउथ फेसिंग मैक्सिमम साउथ फेसिंग तीन हो सकते हैं ऊपर वाले केस में मुझे दिख रहा है ऑलरेडी दो हो चुके हैं तो अब इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम इसका ध्यान रखते हैं और एक और एक चीज का हमें श्योर sure, क्या पता है पी आपका साउथ फेसिंग है एल भी आपका साउथ फेसिंग है एल भी आपका साउथ फेसिंग है ना तो ये एल कहीं ना कहीं तो यहां पर आएगा आपका एन साउथ फेसिंग पी साउथ फेसिंग एक एल जहां पर भी आएगा वो साउथ फेसिंग ठीक है और तो मुझे क्या लग रहा है कि ऊपर वाले केस को नहीं सोल्व करते हैं ऊपर वाला नहीं होगा चाहो तो आप करके देख लो मैं बता रही हूं नहीं होगा क्योंकि मेरी जजमेंट है एक साउथ फेसिंग दूसरा साउथ फेसिंग ठीक है चलो जे और आई जो है दोनों के दोनों क्या है ये होंगे आपके नॉर्थ फेसिंग वो बात ठीक है अब हम लोग ए को ए भी तो देखो यहां पर ए को अगर यहां पर प्लेस करते हो तो ये क्या है ये भी तो साउथ फेसिंग है ठीक है और चाहे आप ये वाला पुट करो चाहे आप ये वाला पुट करो ध्यान से सुनो चाहे आप इसको पुट करो चाहे आप इसको पुट करो इसमें एक साउथ और ऊपर वाले में ये ए आया एक साउथ फेसिंग पर्सन तो जो मैं ऊपर वाला केस सॉल्व रही हूँ ना इसमें साउथ फेसिंग पर्सन ज्यादा हो गए एक एन हो गया एक पी हो गया एक आपका एल हो गया एक एल हो गया साउथ फेसिंग यहां से देखो एक एन हो गया एक पी हो गया एक एल हो गया और अगर हम यहां से बनाते हैं ए एक दो तीन चार ऐसा बनाते हैं तो ए भी तो आपका साउथ फेसिंग है ठीक है यहां पर इनमें से भी तो कोई ना कोई आएगा ही साउथ फेसिंग अगर आप ऊपर वाले को नहीं भी उठाते इसको उठाते हो तो भी ये वाला पर्सन बीच में साउथ फेसिंग आएगा ए और इसके बीच में ठीक है तो नंबर ऑफ साउथ फेसिंग पर्सन इस ऊपर वाले में हो जाएंगे ज्यादा मैं उसको इसीलिए सॉल्व नहीं कर रही हूं मैं नीचे वाले केस को सॉल्व करूंगी अब नीचे वाले केस को अगर मुझे सॉल्व करना है तो देखो जे ओर आई है जे और आई आएंगे मेरे यहां पर ठीक है जे के लेफ्ट पर जितने लोग आई के राइट पर उतने लोग ठीक है इस हिसाब से अब मुझे बनाना है इसको एज इट इज हम इसको यहां पर प्लेस करेंगे ना ये जो है आपका इसको एज इट इज ही प्लेस करना है तो एज इट इज हम कैसे प्लेस कर सकते हैं ए को हम यहां पर प्लेस करें इसको प्लेस कर रहे हैं ठीक है ए एक दो तीन चार एम आपका कहां पर आ गया यहां पर आ गया क्यों मैंने ऐसा बनाया क्योंकि यहां पर बीच में आ रहा है ये नॉर्थ फेसिंग वाला नॉर्थ फेसिंग वाला आ रहा है ना और जे और आई दोनों ही हमारे पास क्या है यहां पर देखो नॉर्थ नॉर्थ जे और आई दोनों ही हमारे पास नॉर्थ फेसिंग है तो ए दो के गैप के बाद में एक दो के गैप के बाद में एक पर्सन होना चाहिए नॉर्थ फेसिंग एक छोड़कर एम गया यही अगर मैं नीचे वाला यहां पर पुट करती नीचे वाला, नीचे वाला वाला ठीक है अगर पुट करती तो ये बीच में साउथ फेसिंग आता तो फिर ये नहीं बनता चाहो तो करके ठीक है चाहो तो आप कर, कर देख सकते हो अगर मान लो, मैं इसको एज इट इज पुट करती M मेरा यहां पर आता इस जगह पर और ए मेरा यहां पर आता तो एम एक छोड़कर साउथ फेसिंग पर्सन एम एक छोड़कर साउथ फेसिंग परसन, नहीं, नहीं आ सकता क्योंकि चलो तो ये हुआ हमारा अब के के थर्ड राइट पर आई है अब आई यहां पर आ सकता है यहां पर आ सकता है के थर्ड, अगर आई पर आये, तो के का थर्ड राइट एक दो तीन नहीं बनेगा तो के आपका यहां पर आएगा K के थर्ड राइट पर आई आपका अब यहां पर आएगा ये भी नॉर्थ और जे भी नॉर्थ ठीक है इतना हो गया अब क्या बचता है हमारा एम एल पी ठीक है एल बचता है एल साउथ फेसिंग है अब जरा देखो कितने लोग हैं ए साउथ फेसिंग एल साउथ फेसिंग पी साउथ फेसिंग एम आपका पर पर देखो north facing. M, जो है, है है जो आपका आपका वो so, लीजिए हो चुका है पूरा का पूरा का हो चुका है, थोड़ा सा था यहाँ पर चाहते तो हम क्वेश्चन को या तो सीधा वहां से भी स्टार्ट कर सकते थे ठीक है लेकिन उसमें भी देखना पड़ता जो नीचे अभी हमने नोट किया था ना ये वाला ए और चार के गैप के बाद में एम तो वहां पर हमको नीलेश को एंड पर पुट करना तो थोड़ा सा वहां पर भी हमारे पास केसेस बनते किया कि नीचे जो दो हैं मैं उनको प्लेस करूंगी, तो, तो इसीलिए मैंने नीचे वाले सॉल्व किया और लीजिए हो गया है क्वेश्चन आई होप की आप सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन तो इस पर बेस्ड हम लोग ना कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हाउ मई स्टूडेंट स्टैंड बिटवीन आर्या एंड पारुल आर्या और पारुल के बीच में कितने लोग हैं सो आर्या और पारुल के बीच में एक दो तीन तीन लोग हैं थ्री इशिता स्टैंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ किसके खड़ी होती है इशिता इमीडिएट राइट right पर जीतू ललित बोध जीतू एंड ललित मोना नोवन no इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे कहां पर कमेंट सेक्शन में ठीक है अगर क्वेश्चन अच्छा लगा जो कि एक्चुअली अच्छा है समझ में आया अगर आपको तो प्लीज सेशन को लाइक like कर देना शेयर कर दो बच्चों और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो इसीलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ठीक है चलो तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन चलिए बनाते हैं अभी हम इस क्वेश्चन को चलिए बनाते हैं अभी इसको क्या कहते हैं सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन कुछ लोग बैठते हैं ठीक है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन सभी के सभी नॉर्थ फेसिंग है नो सीट इज वेकेंट कोई भी सीट वेकेंट नहीं है शाम सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ उमेश बट टू द राइट ऑफ पूर्वी जो आपका शाम है वो उमेश के इमीडिएट लेफ्ट पर है उमेश के इमीडिएट लेफ्ट पर है शाम ठीक है ऐसा और पूर्वी के कहीं राइट पर है आपका शाम तो पूर्वी के कहीं राइट पर है तो ऐसा कुछ होगा सभी के सभी के के नॉर्थ फेसिंग है इसीलिए मैंने ऐसा नोट किया के, पूर्वी के राइट पर कहीं शाम शाम के इमीडिएट राइट पर उमेश उमेश के इमीडिएट लेफ्ट पर शाम चलो आगे विशाल सेट्स थर्ड टू द लेफ्ट ले ऑफ टीना एंड सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड विशाल जो है आपका एक एक्सट्रीम एंड पर आता है और कहां पर है टीना के थर्ड लेफ्ट पर टीना के थर्ड लेफ्ट पर है तो यानी कि आपका विशाल कौन से एंड पर आएगा इस एंड पर आएगा टीना के थर्ड लेफ्ट पर है टीना सभी के सभी ही क्या है नॉर्थ फेसिंग है टीना के थर्ड लेफ्ट पर बोला है ना हाँ विशाल जो है वो थर्ड लेफ्ट पर है टीना के और एक्सट्रीम एंड पर तो इसी एंड पर आ सकता है आपका जो लेफ्ट एंड होगा लेफ्ट मोस्ट एंड होगा यहीं पर ही आ सकता है राइट मोस्ट पर नहीं आएगा तो टीना के राइट पर हो जाएगा चलो तो विशाल टीना के थर्ड लेफ्ट एंड पर थर्ड लेफ्ट पर है और एक एक्सट्रीमेंट पर तो यानी कि आगे यहां से जो भी है जितने भी लोग हैं यहाँ पर आएंगे हमारे चलो आगे नोट मोर देन पर्सन बिटवीन रोहन एंड विनोद रोहन और विनोद के बीच में पांच से ज्यादा लोग नहीं है इसका मतलब एक पर्सन है रोहन और एक पर्सन है विनोद इनके बीच में मैक्सिमम पांच लोग आ सकते हैं पांच आ सकते हैं चार आ सकते हैं इस तरीके से पांच चार तीन दो एक ऐसा हो सकता है रोहन और विनोद के बीच में मैक्सिमम पांच है तो इसको हमने इस तरीके से यहां पर नोट कर लिया आगे टू पर्सन बिटवीन विनोद और उमेश के बीच में विनोद और उमेश ये जो है आपका उमेश के बीच में लीस्ट टू कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए तो दो हो सकते हैं तीन हो सकते हैं इस तरीके से ठीक है चलो ये हमने नोट कर लिया आगे टीना सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कुमार टीना आपकी कहां पर है कुमार के सेकंड लेफ्ट पर यानी कि कुमार आपका यहां पर आ जाएगा कुमार के सेकंड लेफ्ट पर कौन है आपकी टीना है ठीक है नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ टीना इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ टीना के लेफ्ट पर जितने लोग हैं उमेश के राइट पर भी उतने लोग हैं तो टीना के लेफ्ट पर यहां पर कितने लोग हैं जरा चेक करो तीना के लेफ्ट पर एक दो तीन तो उमेश के राइट पर कितने होने वाले हैं एक दो तीन उमेश के राइट पर तीन लोग आएंगे ठीक कहीं पर आ जाएगा आपका विनोद यहां पर एग्जैक्टली बीच में है नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन कुमार एंड उमेश इज नॉट अ प्राइम नंबर कहता है कुमार और उमेश के बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन है ना वो प्राइम नंबर नहीं है जो एक्स है ना वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए ठीक है X जो है जो आपका वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए चलो कहते ऑफ पूर्वी रोहन जो है वो पूर्वी के फोर्थ लेफ्ट पर है पूर्वी के फोर्थ लेफ्ट पर रोहन है अच्छा और क्या कहता है कुमार सिट्स एडजेसेंट टू रोहन कुमार जो है वो रोहन का एडजेसेंट है पहले इसको बनाते हैं कुमार रोहन का एडजेसेंट है तो एक केस बनेगा रोहन आपका यहां भी आ सकता है ठीक है और एक केस बनेगा कुमार आपका यहां पर है रोहन आपका यहां आ सकता है यहां पर आपकी टीना है एक दो विशाल आपका यहां पर है चलो ये केसेस बनते हैं अभी हमने क्या देखा रोहन सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पूर्वी रोहन पूर्वी के फोर्थ लेफ्ट पर है रोहन यहां पर है पूर्वी का फोर्थ लेफ्ट पूर्वी आपकी यहां पर आई रोहन यहां पर है उसका फोर्थ लेफ्ट पूर्वी आपकी यहां पर ऐसे आई ठीक है ये हमने किया अब इतना क्वेश्चन किया है अब हमारा बचता क्या है काफी कुछ बचता है अभी तो रोहन और विनोद के बीच में कितने लोग हैं रोहन और विनोद के बीच में मैक्सिमम पांच चार तीन दो एक ऐसा हो सकता है तो रोहन आपका यहां और पूर्वी के र, यहां पर देखो ध्यान से समझो पूर्वी के राइट पर विनोद आना चाहिए और रोहन और विनोद के बीच में मैक्सिमम पांच आ सकते हैं तो पूर्वी के राइट पर विनोद यानी कि यहां पर यहां पर ऐसे विनोद आ सकता है इस वाले केस में भी विनोद यहां �right आ सकता है लेकिन रोहन और विनोद के बीच में मैक्सिमम पांच लोग हैं तो अगर रोहन आपका यहां पर है एक दो तीन चार अब विनोद आपका यहां भी आ, आ, आ सकता है ठीक है और विनोद आपका यहां भी आ सकता है एक दो तीन चार गैप के बाद में विनोद यहां पर आ जाएगा अगर पांच का गैप लेंगे मैक्सिमम वाला तो विनोद यहां पर आ जाएगा सिमिलरली अगर हम यहां की बात करते हैं तो विनोद जो है आपका यहां भी आ सकता है रोहन और किसके बीच में विनोद के बीच में एक दो तीन चार पांच विनोद आपका यहां पर आ सकता है और विनोद आपका यहां भी आ सकता है ठीक है इतना किया हमने अब एक और चीज को अब एक और चीज को समझो विनोद और उमेश के बीच में दो तीन चार यानी कि मिनिमम दो लोग बोले थे विनोद और उमेश के बीच में मिनिमम दो लोग बोले थे उसने ठीक है तो अब यहां पर जो है हमारे पास तक केसेस तो बन रहे हैं बस आपको क्या ध्यान रखना है एंड में जिससे ये फाइनली सॉल्व होगा ना यहां से पता चलेगा कुमार और उमेश के बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन है ना वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए ठीक है कुमार और उमेश के बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन है वो प्राइम नहीं होना चाहिए तो उसके हिसाब से अभी आगे आपको यहां पर चलना है ठीक है तो अभी हम लोग क्या करते हैं विनोद को एक बार यहां पर लेकर चले ठीक है विनोद के विनोद के राइट पर आएगा कौन श्याम आना है ठीक है उसने बोला था विनोद जो है ना वो पूर्वी और श्याम के एग्जैक्टली बीच में है पूर्वी और श्याम के एग्जैक्टली बीच में अब एक चीज को समझो अगर पूर्वी और विनोद यहां पर आ गया तो श्याम को यहां पर आना पड़ेगा हम एक केस यहां पर ले रहे हैं विनोद अगर आपका यहां पर है तो श्याम यहां पर क्योंकि उसने बोला था विनोद पूर्वी और श्याम के एग्जैक्टली बीच में है तो पूर्वी यहां विनोद यहाँ श्याम यहां। श्याम के इमीजिएट साथ में उमेश यहाँ ठीक है अब फटाफट से इतना चेक कर लो कुमार और उमेश के बीच में कितने लोग हैं कुमार और उमेश के बीच में ठीक है ये ये है आपका विनोद ये है आपका ये और यू है ये तो कुमार और इसके बीच में एक दो तीन चार पांच छे विच इज़ ंग प्राइम नंबर नहीं होना उसने क्या कहा था प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए तो ये तो सही है प्राइम नंबर तो नहीं है छ अगर हम कुमार और उमेश के बीच में इस तरीके से करते हैं तो श्याम सेट से एक बार चेक कर लेते हैं कुछ कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है ना हमने हाँ यहां पर एक चीज हमारी गलत हो गई हम ऐसे नहीं कर सकते विनोद और उमेश के बीच में कम से कम दो लोग भी तो होने चाहिए विनोद और उमेश के बीच में कम से कम दो लोग भी तो होने चाहिए तो इसीलिए ये वाला हमारा ये जो हमने बनाया गलत हो गया ठीक है ये केस गलत है तो हम लोग जहां पर विनोद को मान रहे थे ना यहाँ नहीं मानेंगे अब हम विनोद को कहां पर लेकर चलेंगे हमने अभी रोहन और विनोद के बीच में ना चार का गैप लेकर चले थे हम लोग पांच का लेंगे एक दो तीन चार विनोद आपका यहां पर आएगा ठीक है अब विनोद और उमेश के बीच में कम से कम दो तो मैं दो लेकर चल रही हूं उमेश को यहां पर लेकर चल रही हूं ठीक है विनोद उमेश यहां पर आया उमेश के इमीडिएट यहां पर शाम आया और उसने क्या कहा था विनोद जो आपका विनोद है वो पी और शाम के एग्जैक्टली बीच में अब देखो जो आपका विनोद है पी और श्याम के एग्जैक्टली बीच में एक एक के गैप के बाद में मेरे हिसाब से आप देखते हैं बस अब आपको ये चेक करना है कुमार और उमेश के बीच में प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए तो कुमार यहां पर है प्राइम नंबर एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ कुमार और उमेश के बीच में अभी लो लो नौ लोग हैं विच इज नॉट अ प्राइम नंबर अब ठीक है और यू के राइट पर तीन लोग हैं यहाँ पर देखो मैं ऊपर नोट कर रही हूँ यू के राइट पर अभी तीन लोग हैं तो टोटल इतने पर्सन हैं ठीक है ये हुआ मेरा पहला केस जो है ऊपर वाला सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं सॉल्व हो गया है मैंने पहले एक केस लिया विनोद के दो केसेस बनते थे कैसे रोहन और विनोद के बीच में मैक्सिमम पांच हो सकते थे मैंने पहले चार ले लिया था फिर मेरा ये वाला कंडीशन वॉयलेट हो गया था ठीक है सो नीचे वाला केस भी जब आप सोल्व करोगे नहीं होगा चाहे आप विनोद को यहां पर लेकर चलो चाहे आप विनोद को यहां पर लेकर चलो क्योंकि सॉल्व हो चुका है ऊपर ठीक है ऊपर जो है वो सॉल्व हो चुका है कोई ना कोई कंडीशन ऐसी होती जो वॉयलेट हो जाती अगर ऊपर वाला सही ना होता तो ठीक है so, सो यहाँ पर आपका करेक्ट वन है ये टोटल पर्सन कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन पर्सन है टोटल आप एक बार खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा आपको पता चलेगा यहां पर थोड़ा सा हमें स्पेस का इशू हो गया ठीक है चलो इस पर बेस कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं Who among the following sits third to the left ऑफ उमेश उमेश के थर्ड लेफ्ट पर कौन है उमेश ये रहा उमेश का थर्ड लेफ्ट एक दो तीन वी वी stands for वी फोर याद रखना है विशाल भी है विनोद भी है विशाल आपका एक एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पर था तो यहां पर आएगा आपका विनोद ठीक है, हाउ मेनी पर्सन सेट बिटवीन विशाल एंड कुमार विशाल और कुमार के बीच के बीच में कितने लोग हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी दोगे ये आपके लिए होमवर्क है कॉमेंट सेक्शन में देंगे आप सभी इसका आंसर चलो अब हम लोग करते हैं अगले क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन आप सभी का फेवरेट टॉपिक है चलिए बनाते हैं सम एरोप्लेन इज जेट नो जेट इज ट्रेन ओनली अ फ्यू ट्रेन इज बस सम ट्रेन इज बस एंड सम ट्रेन इज नॉट बस ठीक है सम जेट इज बस कहता है कि कुछ जेट बस है जेट यहां पर है बस यहां पर है एग्जैक्ट इनके बीच में सम का रिलेशनशिप एग्जैक्टली exactly नहीं नजर आ रहा तो ये क्या हो गया गलत हो गया नहीं नजर आ रहा ना एरोप्लेन इज नॉट ट्रेन एरोप्लेन का कुछ पोर्शन ट्रेन से दूर है मुझे तो दिख रहा है क्लियरली ये जो एरोप्लेन का पोर्शन है ये ट्रेन से दूर नहीं है पूरा का पूरा जेट ट्रेन से दूर है तो जेट और एरोप्लेन का जो कॉमन पोर्शन है वो भी ट्रेन से दूर है ये बिल्कुल सही है तो पहले क्वेश्चन में आपका दूसरा कंक्लूजन फॉलो करता है पहला नहीं करता नेक्स्ट देखो सम राइस इज वीट ओनली कॉन इज बाजरा कौन और बाजरा अभी हमें यहां दिख नहीं रहा नो कॉन इज वीट ये वीट है पूरा का पूरा कॉन इससे दूर है उसने कहा ओनली कॉन इज बाजरा यानी कि ओल बाजरा इज कॉन प्लस स्टार मार्क करना नहीं भूलना है याद रखने के लिए किस बाजरा का रिलेशनशिप सिर्फ इस कॉन के साथ और किसी के साथ नहीं है ठीक है नो बाजरा इज राइस हंड्रेड परसेंट सही क्योंकि बाजरा का रिलेशन इस कॉन के अलावा किसी के साथ नहीं है सम राइस इज नॉट कॉन इज अ पॉसिबिलिटी कहता है कि कुछ राइस कॉन नहीं है ये पॉसिबिलिटी आपको बतानी है सम राइस इज नॉट कॉन क्या ये पॉसिबल है अब एक बात देखो यहां पर देखो सम राइस इज नॉट कॉन अगर वो इतना पूछे तो ये हंड्रेड परसेंट सही है सम राइस इज नॉट कॉन ये क्या है हंड्रेड परसेंट सही इतना देखें आगे उसने क्या पूछा पॉसिबिलिटी हंड्रेड परसेंट ट्रू कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी क्या होती है गलत होती है तो यहां पर ये जो है आपका गलत हो गया ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ कैसे चेक करते हैं पॉसिबिलिटी आप पहले पॉसिबिलिटी वाला वर्ड हटाकर बाकी का चेक करो आपका आंसर अगर कांड से वाला गलत आता है तो पॉसिबिलिटी सही होती है हंड्रेड परसेंट ट्रू कंक्लूजन एंड हंड्रेड परसेंट फोल्स कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी गलत होती है तो ये हंड्रेड परसेंट सही था समराइज इज नॉट कॉन नो वीट इज कौन था ना हमारे पास नो कॉर्न इज वीट ठीक है तो सम राइस इज नॉट कॉर्न तो सही था जो चीज सही है फिर उसकी शायद में वो क्यों पॉसिबिलिटी हो गई ना उसकी इसीलिए इसको गलत किया जाता है तो 100% परसेंट ट्रू कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी गलत होती है चलो तो यहां पर आपका पहला कंक्लूजन जो है वो फॉलो करता है अगला सम डार्क इज लाइट नो लाइट इज टी शर्ट लीजिए. सारी 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 की की सारी हो सकती है. सारी की सारी light can be देखो. हमें क्या करना है बेसिकली ये पूरी की पूरी लाइट ना इस टी से दूर है लेकिन पूरा का पूरा ये जो लाइट है यहां तो आ सकता है हमको बस इसको इससे दूर रखना है आ तो सकता है yes, डायग्राम बना दिया ना वहां पर अगर लाइट आपका वहां चला जाए हमको बस इसको टी से दूर रखना है रख लेंगे ठीक है तो पूरा का पूरा लाइट आपका कोर्ट में जा सकता है बिल्कुल सम डार्क इज नॉट टी शर्ट डार्क का जो ये वाला पोर्शन है यह भी तो टी शर्ट से दूर है यह भी बिल्कुल सही है ठीक है नेक्स्ट सम डॉग इज़ नॉट कैट डॉग का कुछ पोर्शन है जो कि कैट से दूर है सम डॉग इज नॉट ये वाला डार्क एंड पोर्शन सम कैट इज लाइन ओनली लाइन इज टाइगर यानी कि ओल टाइगर इज लाइन ये टाइगर है इसको स्टार मार्क कर दिया याद रखने के लिए टी का रिलेशन सिर्फ एल के साथ में कहते है इज कैट इज नॉट पॉसिबिलिटी कि पूरा का पूरा लाइन कैट हो सकता है ये नहीं हो सकता मतलब कि पूरा का पूरा लाइन जो है वो कैट नहीं हो सकता बिल्कुल सही है पूरा का पूरा लाइन कैट नहीं हो सकता टाइगर वाला पोर्शन कभी किसी और में जाएगा नहीं जा सकता ना ये टाइगर वाला स्टार मार्क किया हुआ है ओनली वाला है ये तो ये तो बिल्कुल सही हो गया पूरा का पूरा लाइन कैट नहीं हो सकता बिल्कुल सही बात है सम लाइन इज डोग लाइन और डोग का कुछ पोर्शन क्या कॉमन नजर आ रहा है बिल्कुल नहीं नजर आ रहा तो ये क्या हो गया गलत हो गया ठीक है तो ये है आपके कौन से सिलॉग्स के क्वेश्चन अब हम लोग बढ़ते हैं आगे आगे एक क्वेश्चन है आप सभी के सामने ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं चलिए देखो भाई क्या कहता है कहता है इफ टू इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर हर एक नंबर के पहले डिजिट में अगर आप क्या ऐड करोगे एक ऑड नंबर ऐड करोगे तो दो ऐड करोगे टू ऐड करोगे तो कितने ऑड नंबर्स बनेंगे पहली बात आपको इतना पता है ना कोई भी नंबर ओड है कहां से पता चलता है यहां से उसका जो वंस प्लेस होता है ठीक है यहां से पता चलता है यहां से पता चलता है फिर आप उसमें कुछ भी ऐड करो अब एक चीज एक और चीज भी देखो मान लो वन है उसके अंदर दो ऐड करोगे तो तीन आएगा वन पहले ओड था बाद में भी क्या रहा ओड रहा कुछ एक चीजें बता रही हूं जो आपको आपको याद रखनी है ताकि आपको पेपर के टाइम पर दिक्कत ना हो ठीक है टू है टू में अगर टू ऐड करोगे तो क्या आएगा फोर आएगा ये पहले भी इवन था अब भी इवन है इससे कुछ फर्क पड़ा इस टू को ऐड करने से किसी भी डिजिट में यहां पर उसने फर्स्ट डिजिट बोला है ठीक है सेकेंड बोले थर्ड बोले क्या फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा कुछ मत करो अब आपको पता चल गया कि ऐसा होता है कि ऐसा होता है दो को ऐड करने से किसी भी नंबर में ऐड करोगे वो जैसा रहेगा वो जैसा होगा वैसा ही होगा ठीक है अगर ओड होगा तो ओड ही रहेगा इवन होगा तो इवन ही रहेगा सिंपली चेक करो कितने यहाँ पर ऑड यह नंबर्स हैं एक ये, है, एक ये है एक ये है एक ये है तीन है बस तीन ही आएगा इसका आंसर ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है तो अभी आज के सेशन में हमने पजल्स की हैं, अच्छी पजल्स की हैं, अच्छी पजल और सीटिंग अरेंजमेंट्स की हैं, थोड़ी सी जो कि ट्रिकी थी ठीक है आई होप कि आप सभी को समझ में आई होंगी तो अभी आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में टेक केयर एवरी